उपायुक्त और रामगढ़ एसपी ने किया पतरातू प्रखंड का दौरा। पुलिस अधीक्षक रामगढ़ के साथ पतरातू डैम व नलकारी नदी के समीप सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। बुधवार को उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के साथ पतरातू प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त ने सबसे पहले बढ़ते जलस्तर के कारण मंगलवार रात 8 बजे पतरातू डैम के 2 गेट खोले जाने के उपरांत सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मौके पर उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी पतरातू एवं अंचल अधिकारी पतरातू को चौकस रहने एवं हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों व पर्यटकों को नदियों व अन्य जल स्रोतों के आसपास न जाने के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। पतरातू डैम के उपरांत उपायुक्त ने शनिवार को नलकारी नदी के समीप हुई दुर्घटना के मद्देनजर स्थल निरीक्षण कर प्रखंड विकास पदाधिकारी पतरातू एवं अंचल अधिकारी पतरातू को पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यकता अनुसार फेंसिंग लगाने व साइन इन बोर्ड के माध्यम से पर्यटकों को दुर्घटना संभावित क्षेत्रों तक किसी भी हाल में नहीं जाने देने के प्रति जानकारी देने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने वैसे क्षेत्र जहां ज़्यादा संख्या में पर्यटक आते हैं वहां नियमित रूप से गश्ती कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मौके पर उपायुक्त ने पतरातू लेक रिसोर्ट के समीप विभिन्न होटलों व रिसोर्ट संचालकों को भी पर्यटकों को इसके प्रति जागरूक करने एवं उनके द्वारा इससे संबंधित किसी प्रकार की अवमानना करने पर त्वरित इसकी जानकारी प्रशासन को देने का निर्देश दिया। पतरातू से जयकिशन पाठक की रिपोर्ट। पर इंसिडेंट हुआ है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है। इसमें जो भी हम लोगों को सुरक्षा मानकों के मद्देनजर जो भी जरूरत लगेगी वो हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। एक सौ अभी तक नहीं मिला सर, उस पर क्या कहना है? इसमें जिला प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ से रिक्वेस्ट किया गया था, जिसमें आकर के उन लोगों ने 48 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। उनके द्वारा ये बताया गया कि संभवतः डेड बॉडी कहीं झाड़ी या किसी, क्योंकि यहाँ पर फिश कल्चर का भी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर है, तो शायद उसमें कहीं फंसी हो सकती है, पर वो लोग इसको ढूंढने में असमर्थ रहे हैं। हम लोग अभी भी इसमें लोकल जो गोताखोर हैं उनसे मदद ले रहे हैं कि अगर उन्हें कभी भी डेड बॉडी दिखाई दे तो वो प्रशासन को सूचित करें। धन्यवाद। इसमें हम लोगों ने संपदा पदाधिकारी बीटीपीएस से अनुरोध किया है कि वो विभाग से पत्राचार करके एक टेक्निकल टीम वहां से डिप्यूट करवा के एक बार इसका सर्वे करवाएं कि 60 साल पुराना पुल है, डैम है, तो उसमें क्या अभी तकनीकी सुधार करने की और आवश्यकता है। उसको सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से चेक किया है और लोगों को इसमें हम लोगों ने चेतावनी दे दी है, सलाह भी दिया है कि वहां डैम के आसपास ना जाएं और जहां पे नदी का जलस्तर बढ़ रहा है वहां पर भी ना जाएं, ना स्वयं जाएं ना ही अपने पशु पक्षियों को वहां पे जाने दें। दूसरा, यहां पर